अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशहाश होंगे। जी जनाब, नए दिन का आगाज़ हो चुका है और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो है आपकी मोस्ट फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो आज हम बात करने लगे हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, तो टाइम वेस्ट किए बगैर बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी, जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी हेयर प्रोडक्ट्स की, ठीक है, वो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा उनमें से आपने क्या यूज़ किया हुआ है और क्या नहीं, और आपका क्या रिस्पॉन्स है। चले सेकेंड, अब हम आ जाते हैं। ये इसका तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ना, मतलब गंजा मंजा हुआ हुआ। ये है गार्निया का आई रूलर, अंडर आई रूलर, ठीक है। ये ऐसा होता है, ये आगे से इस कैसे, ठीक है, इसको हम ऐसे करके रात को शेक शेक करते हैं, इसको हम ऐसे करके लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये अच्छा है, इससे डार्क सर्कल्स, पफिनेस वगैरह ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो डार्क सर्कल्स ख़त्म होते हैं जो वैसे आपको पड़े हो, ना कि नींद पूरी होने की वजह से। जो नींद ना पूरी होने की वजह से डार्क सर्कल्स पड़ते हैं ना, उनके लिए पहले नींद पूरी करना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया, और इसके साथ साथ आप इसको डेली बेसिस पर या हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, अभी हम बात करेंगे रिवाज के आई पैचेस की। ये देखें, एक ये है रिंकल्स के लिए, और ये वाला जो है ये है डार्क सर्कल्स के लिए, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, रिंकल्स वाला आपने महीने में एक बार लाजमी इस्तेमाल करना है। रिंकल्स वाला ये वो है 24 कैरेट गोल्ड वाला, इसको आप यहाँ से इसको खोलेंगे और निकाल के अपनी आई पर यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। ये रिंकल्स के लिए काम करता है, महीने में एक बार इस्तेमाल करें। और ये जो है ये डार्क सर्कल्स के लिए काम करता है, डार्क सर्कल्स के लिए, इसको आप महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे, इट्स मीन कि आप इसको 3-4 महीने तक रेगुलर यूज़ करेंगे, तो आपको अपनी अंडर आई की अच्छी तरह पता चलेगी कैसे। आपने क्या करना है, फेस वॉश करना है, उसके बाद इसको रख लेना है, 20 मिनट तक रखना है, और उसके बाद आपने इसको हटा देना है। कोशिश करें जब 20 मिनट तक इसको रखें तो आप अपनी आँखों को भी बंद रखें, ताकि आँखों को प्रॉपर रेस्ट मिल जाए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्नी। एक्नी के लिए टी ट्री ऑयल, ठीक है। एक्नी में जो बेस, वैसे तो बहुत सारे फेस वॉशेज होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेटेड क्रीम होती है। एक्नी के लिए जो टी ट्री ऑयल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और जो वर्क करता है, वो है ये कोमल रिज़वी का, ट्रूली कोमल का। नज़र आ रहा है ये यहाँ से, असल में ना मिट विट भी गया। ये देखें आप, बॉटल्स आपको नज़र आ रही होगी कि बिल्कुल सिर्फ इतना सा रह गया है, ये मैं सारा ख़त्म कर चुकी हूँ। ये है टी ट्री ऑयल, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, ये ट्रूली कोमल की वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं उनका लिंक ढूंढती हूँ, मुझे मिल गया था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। आपने इसका क्या करना है, इसको आपने निकालना है शेक शेक करके, और इसके साथ पंप इसका लगा हुआ है, और ये इस दिखता कुछ इस तरह से है, मैंने ज़्यादा ऊपर डाल दिया, नज़र नहीं आ रहा ये, ठीक है। इस पर आपने क्या करना है, इसको आपने जहाँ पर आपका पिंपल बना हुआ है ना, वहाँ पर आपने लगा लेना है, इसको वहीं पर ड्रॉप करना है और हल्का सा ऐसे ऐसे करके टैप करना है, और आपने इसको ओवरनाइट के लिए वहाँ पर छोड़ देना है। ये आप 3-4 दिन रेगुलर यूज़ करेंगी तो आपका जो पिंपल बन रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सेकेंड हम आ जाते हैं नोज़, ब्लैक हेड वाइट हेड नोज़ की तरफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम बहुत से स्क्रब यूज़ करते हैं, उससे भी नहीं निकल रहा होता, मसाज से भी नहीं निकल रहा होता, वो पिन से समटाइम निकाल रहे होते हैं, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मुझे तो वो बहुत पेन करता है, मैं वो नहीं करवाती, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। अगर हम हर 15 दिन के बाद वैक्स स्ट्रिप यूज़, मतलब जो नोज़ वाली ब्लैक हेड स्ट्रिप अगर वो यूज़ कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी है। मैंने एक वीडियो में आपको यूज़ करके भी दिखाई थी, आप वो वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें मैंने दिखाया था कि वो इससे वाकई ही निकलते हैं। मैं ये दो ब्लैक वाली नहीं लेनी, ब्लैक वाली इतनी अच्छी नहीं होती, वो लेनी है जो वाइट हो। मैं ये एक ये वाली यूज़ करती हूँ, ठीक है, और एक ही मैंने रिवाज वाली ली हुई है, ठीक है, ये यहाँ से करके, ये वाली यूज़ करती हूँ, ठीक है। इनको यूज़ आपने कैसे करना होता है कि आप इसको नोज़ पर, पहले आप नोज़ को हल्का सा गीला करेंगे, फिर आप नोज़ के ऊपर लगा के इसको अच्छी तरह, इसके ऊपर पानी लगाएंगी, अच्छी तरह जम जाएगी, ठीक है। फिर आपने इसको, जब ये बहुत हार्ड हो जाएगी, फिर आपने इसको उतारना है, और फिर आपने देखा इसको आप महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनको महीने में 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। जी जनाब, नेक्स्ट हम आ रहे हैं रिवाज के हैंड मास्क की तरफ, ठीक है। हैंड मास्क मैंने इसका यूज़ किया, प्राइस इसकी थी जब मैंने लिया था 295, लाइक अभी 300 से ऊपर की हो चुकी होगी, ठीक है। इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि अंदर से निकलता ऐसा है, ऊपर से हम इसको कट करते हैं तो इसके अंदर से 2 ग्लव्स निकलते हैं जिनको हमने हाथों पर चढ़ा लेना होता है, और तकरीबन इसका यूज़ पीछे लिखा हुआ है 20-30 मिनट्स तक आपने इसको लगाना होता है। अच्छा, मैंने हैंड मास्क यूज़ किया है, मुझे इतना मज़ा नहीं आया, मुझे हैंड मास्क का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बट इसका इसी तरह का है फुट मास्क, इसका ये फुट मास्क है, और ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। ये मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। ये होता है कि आप इसको, इसमें भी एज इट इज़ ऐसे ही पैकेट निकलेगा, और आप इसको ऊपर से टीयर करेंगे, अंदर से 2 सॉक्स निकलेंगी, वो आपने पहन लेनी होती हैं, और वो पहन कर आपने तकरीबन, मैं तो कहती हूँ 45 मिनट्स के लिए आप अपने पाँव को छोड़ दें, अगर आपके पाँव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, 45 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ दें, और उसके बाद आप ये करें कि धोएं, उसको उतारें, पाँव बस पानी से हल्का सा धोएं और टॉवल से खुश कर लें, ठीक है।
3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पाँव की नीचे वाली डेड स्किन है ना, वो सारी उतरने लग जाएगी, सारी डेड स्किन बिल्कुल उतर के साइड पर हो जाएगी, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली उतरना शुरू हो जाएगी। उसमें जब भी आप अपने पाँव को सॉक करें तो अच्छी तरह उसको रगड़ रगड़ के वो जो स्क्रंचिज वगैरह होते हैं उससे अच्छी तरह वो कर लीजिएगा, आपकी सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। इसका फुट मास मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और बहुत अच्छा है, ठीक है। ये है जी रिवाज के, ठीक है। रिवाज के हाइलोरोनिक एसिड है, एलोवेरा है और चारकोल है, ये तीनों रिवाज के हैं। इसमें क्या होता है कि ये ठीक है, वर्थ मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल इनकी प्राइस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इनका ग्लो नहीं चलता, तो इतने कोई ख़ास मज़े के नहीं। तो अगर आप लॉन्ग लास्टिंग ग्लो चाहिए तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगी गार्निया। गार्निया के मास्क बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ग्लो देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, इससे स्किन काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये, लाइक 400-500 का शायद है एक, ठीक है। वो 500 में आपको 3-4 मिल जाते हैं और ये एक मिलता है, बट इट्स टू गुड। इसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छी है, आई लव इट। जी जनाब, तो अब आ जाते हैं उस फेशियल की तरफ जो मैं घर में ख़ुद अपना करती हूँ। मैं पार्लर से फेशियल नहीं करवाती, मैं अपना फेशियल मोस्टली ख़ुद करती हूँ और मैं अपने ख़ुद फेशियल करने से सेटिस्फाई भी हूँ, ठीक है। मैं किस कंपनी का फेशियल करती हूँ और कौन सा अच्छा है। मैंने पहले ADS का भी यूज़ किया था, वो भी अच्छा है, और लेकिन अभी मैंने जो यूज़ किया है वो है ब्यूटी चार्म का, ठीक है। ब्यूटी चार्म का ये देखिए, ऐसे ये पाउचेज़ में आता है, ठीक है। ये मास्क है इसका, ये स्क्रब है इसका, ठीक है। सेकंड में ये इसका है क्लिंजर, ग्लोस क्लिंजर है, ठीक है। और ये है इसका मॉइस्चराइज़र क्रीम, ठीक है। इसके अंदर पील ऑफ मास्क भी था और एक इसका था वो भी था, ब्लाउंडर भी था, ठीक है। वो ख़त्म हो गया, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और ये भी अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, तो ये भी पाउचेस ना बस ये इतने इतने से रह गए, इतने इतने से, देखें। अगर अच्छी तरह करें तो सिर्फ ये रह गया, ये सारे खाली हो चुके हैं, सिर्फ इतना इतना रह गया। ये बहुत अच्छा है, ये मैन वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इसकी पूरी एक प्रॉपर किट मिलती है, ठीक है। जब मैंने लिया था तो ये लाइक था 5 समथिंग का, शायद 5000 समथिंग का था, अब शायद महंगा हो गया होगा। और इसी बॉक्स के अंदर इसका मिलता है एक ब्यूटी चार्म का वाइटनिंग सीरम, ये देखिए, ये पिनू सा चुनी मिनू सा देख रहे हैं ना, यहाँ से रख के दिखाऊँ ना, हाथ में भी पूरा नहीं आ रहा। तो ये सीरम मिलता है, इसको आप फेशियल के बाद आप इसको स्किन पे लगा सकते हैं। फेशियल ये बहुत अच्छा है, वर्थ बाइंग है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो इसका पॉलिशर लगाएंगे तो उसे कोई एलर्जी वगैरह होने का बिल्कुल अंदेशा नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के मालिक हैं तो आप एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें। और याद रखें, जब भी फेशियल करना हो उसका जो पाउडर होता है उसको कम से कम यूज़ करें। तो ये वाला है फेशियल जो मैं यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, रीज़नेबल भी है, रीज़नेबल के साथ साथ इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रीज़नेबल है। चले जी, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ सनब्लॉक और मॉइस्चराइज़र जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने दुनिया भर के मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल किए, मैंने दुनिया भर के सनब्लॉक यूज़ किए, लेकिन मुझे सूट नहीं करते, मेरी स्किन सुपर डुपर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैं, ये एक जैपनीज़ ब्रांड है, ये ऐसे जैपनीज़ ब्रांड है, मैं इसकी ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और ये अच्छा है और मुझे सूट भी करता है। और ये देखें, अंदर से निकलता कुछ इस तरह से है ये, ठीक है। प्योर वाइट नहीं है, हल्का सा ये क्रीमी वो स्किनी शेड का है, प्योर वाइट नहीं है। तो इसको आप ये हल्का सा ऐसा आपकी स्किन पे थोड़ा सा ना लाइट सा वाइट कास्ट, जो अच्छे वाला वाइट कास्ट होता है ना वो छोड़ता है, वो नहीं वो जो धब्बे धब्बे से बन जाते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है, बिल्कुल मतलब अच्छा सा होता है। इसमें कोई ये ग्रीसी नहीं है, ये चिपचिप नहीं है, ये बहुत अच्छा है और बहुत इकोनॉमिकल है, ये मेरी तरफ से 110% रिकमेंड है, ठीक है। सेकेंड चलते हैं सन ब्लॉक की तरफ। अच्छा, सन ब्लॉक मैंने ये एक लिया था, बट ये है टिंटे, ठीक है। जिन लोगों को मतलब प्रॉपर एक ऑफिस वर्क के लिए या किसी उस ऐसी जगह पर जाते हैं कि उनको चाहिए ऐसा जो सन ब्लॉक भी हो लेकिन टिंटेड हो, ताकि उनको बेस वगैरह लगानी ना पड़े, ठीक है, तो वो ये ले सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा एक इसके निस्बत आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हल्का सा यहाँ से, हाँ मैंने लगाए भी इसी हाथ इतने हिस्से पे, ये देखिए इस और इसमें आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा, ठीक है। ये हल्का सा वाइट कास्ट छोड़ता है बट अच्छा है, ग्रीसी नहीं है, चिपचिप नहीं करता, ऑयली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको साथ में आप चाहते हैं कि सन ब्लॉक भी हो और साथ में ग्लूटा भी हो, मतलब वाइटनिंग इफेक्ट भी दे, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी प्रोटी सन लोशन विद ग्लूटा, ये वाला
ठीक है, इसके अंदर यार क्यों नहीं वो फोकस कर रहा कैमरा, इसके अंदर सन प्रोटेक्शन भी है, वाइटिंग इफेक्ट भी है, ठीक है, और ये SPF 60 है, ठीक है, और ये दिखता कुछ इस तरह, ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, मतलब ये टिंटेड नहीं है, ठीक है, ये ऐसे है, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, कोई चिपचिप नहीं है, कोई ग्रीसी नहीं है, इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन से सन प्रोटेक्शन भी होगी, और सेकंड ये कि ये वाइटनिंग में भी जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, सब कुछ हो गया, ठीक है, स्किन का हो गया, मास्क हो गए, फेशियल का मैंने आपको बता दिया, मॉइस्चराइज़र मैंने आपको अच्छा बता दिया, सन प्रोटेक्शन से रिलेटेड बता दिया, वाइटनिंग से रिलेटेड बता दिया, लेकिन अंडर आई से रिलेटेड भी बता दिया, जो एक बहुत ख़ास चीज़ है जो हम भूल रहे हैं, वो है हमारे दांत। जब हमारी मुस्कुराहट है सबसे खूबसूरत, जब हम हंसते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी बाहर आती है उभर के, अगर आपके दांत गंदे होंगे या पीले होंगे तो देखने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो याद रखें हमें अपने दांतों को बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये है पर्ल ड्रॉप्स, पर्ल ड्रॉप्स ये इंस्टेंट बूस्ट करता है, वाइटनिंग इफेक्ट देता है आपके दांतों पर, अगर आप किसी, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें, जाहिर बात है थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, डेली बेसिस के हिसाब से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते और ना ही कीजिएगा, डेली बेसिस में जो आप अपनी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वही करें, लेकिन इसको आप रखें कि अगर आप किसी पार्टी में किसी फंक्शन में कहीं पर जा रहे हैं तो आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। देखें अंदर से ये दिखता ऐसे पिंक है, अगर निकल आया तो ख़त्म ना हुआ, मुझे लगता है मैंने सारा ख़त्म कर दिया, ये देखें कुछ नज़र आ रहा है, निकल आ गई शायद, ये चुन्नू मुन्नू सा लग रहा है, ये पिंक कलर का होता है अंदर से, बेसिकली मैं आपको ये दिखाना ये चाह रही थी कि अंदर से पिंक कलर का होता है, तो आप इसको ट्राई करें, आप इसको जाने से पहले ज़रूर ब्रश करके देखें एक बार, आपके दांत चमक जाएंगे मोतियों की तरह, लिटरली स्माइल खूबसूरत हो जाएगी, हंसते हुए वो जब तारे नहीं टिमटिमाते बिल्कुल सेम वैसे हो जाएगा। तो जनाब आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।